मानसून सीजन शुरू हो चुका है और आप देख सकते हैं कि इस साल काफ़ी अच्छी खासी बारिश भी हो रही है। लेकिन आपको बता दूं कि इस बारिश के बीच अगस्त 2019 में स्मार्टफोन की भी एक बेहतरीन बारिश आपको देखने को मिल जाएगी। जी हां, इस महीने कई सारे ऐसे स्मार्टफोन लॉन्च होंगे जिनका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे हम। वीडियो बेशक थोड़ा सा लेट लेके आते हैं, पर हम कोशिश करते हैं कि हमेशा आपको एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दें। हम आपको सिर्फ उन फोन्स के बारे में बताएं जो कि एक्चुअली में लॉन्च होने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी देर के देखते हैं अपकमिंग स्मार्टफोन्स ऑफ अगस्त 2019। अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगस्त 2019 की शुरुआत में ही हुआवे अपना नया स्मार्टफोन लेके आने वाली है, जिसका नाम है हुआवे Y9 Prime 2019। ये चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। हालांकि इंडिया में क्या स्पेसिफिकेशन रहेंगे उसके बारे में कंफर्मेशन तो नहीं है, लेकिन अगर चाइना मार्केट के हिसाब से देखा जाए तो हुआवे Y9 Prime 2019 में आपको मिलेगा 6.59 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले। और कंपनी की ओर से ये पहला पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन है, तो आपको बता दूं कि इसमें दिया गया है 16 मेगापिक्सल का पॉपअप सेल्फी कैमरा। इसके साथ साथ इसमें दिया जाएगा कंपनी का खुद का हाई सिलिकॉन किरिन 710F चिपसेट, 4GB की रैम, 128GB की इंटरनल स्टोरेज, 16+8+2 मेगापिक्सल के ट्रिपल रेड कैमरा और 4000mAh की बैटरी। साथ साथ खबर मिली है कि ये फोन 20,000 के अंदर के प्राइस रेंज में लॉन्च किया जाएगा। सैमसंग भी अगस्त 2019 में अपना एक फ्लैगशिप स्मार्टफोन लेके आने के लिए तैयार है। जी हाँ, मैं नोट सीरीज के स्मार्टफोन की बात कर रहा हूँ और इस साल कंपनी अपना नोट 10 लेके आने वाली है। 7 अगस्त को ये फोन ग्लोबली लॉन्च किया जाएगा और उसके कुछ दिनों बाद ये आपको इंडिया में भी देखने को मिल जाएगा। अब तक इस फोन को लेकर कई सारे लीक्स आ चुके हैं और उसके हिसाब से अगर देखें तो इस फोन में आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 855 चिपसेट या फिर एक्सिनोस 9825 चिपसेट मुहैया करवाया जाएगा। इस फोन में 12GB की रैम होगी, 45W का चार्जिंग सपोर्ट मिलेगा। साथ ही साथ ये भी माना जा रहा है कि इस बार आपको गैलेक्सी नोट 10 के दो मॉडल देखने को मिल सकते हैं, यानी नोट 10 और नोट 10 प्लस। इनफैक्ट कुछ रूमर्स में ये भी माना गया है कि शायद नोट 10 ई भी आपको देखने को मिले। हालांकि अभी कंफर्म नहीं है, लॉन्च के टाइम पर ही पता चलेगा कि कंपनी कौन कौन से मॉडल लेके आती है और कौन सा फाइनली एक फ्लैगशिप फोन कहा जाएगा। वीवो ने भी कुछ दिन पहले भारतीय बाजार में Z1 Pro नाम का अपना नया स्मार्टफोन लॉन्च किया था जो कि 15,000 के प्राइस रेंज में कंपनी लेकर आई थी। वहीं अब कंपनी इसी प्राइस रेंज के अराउंड एक और नया स्मार्टफोन लेके आने के लिए तैयार है और इसका नाम है वीवो S1। हालांकि फोन के स्पेसिफिकेशन कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन चाइनीज मार्केट में ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो इसमें दिया जाएगा 6.38 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले, मीडियाटेक का हीलियो P65 चिपसेट, 16+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। Xiaomi Mi A3 को लेकर पिछले काफी लंबे समय से चर्चा हो रही कि कंपनी ये फोन इस महीने लेके आएगी। अब ये फोन आने वाला है, कुछ दिनों में आने वाला है, पर कब आने वाला है कुछ कंफर्म नहीं हुआ था। अगस्त 2019 में ये फोन देखने को मिल सकता है। हालांकि अभी भी कंफर्म नहीं है कि डेफिनेटली फोन अगस्त में आएगा या सितंबर फर्स्ट वीक में लॉन्च किया जाएगा, लेकिन काफी हद तक लीक्स के अनुसार मालूम पड़ चुका है कि ये फोन अगस्त तक आपको इंडिया में देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये फोन ऑलरेडी Mi A3 नाम से स्पेन में लॉन्च हो चुका है। जबकि आपको बता दूं कि ये सेम फोन चाइना में कंपनी ने CC9E नाम से लॉन्च किया था। इस फोन के स्पेसिफिकेशन की बात की जाए तो इसमें आपको मिलेगा 6.08 इंच का HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले, 48+8+2 मेगापिक्सल का ट्रिपल रियर कैमरा और 32 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। इस महीने हुआवे के साथ ऑनर भी अपना नया पॉपअप कैमरा वाला स्मार्टफोन लेकर आने वाली है। जी हाँ, इस फोन का नाम है ऑनर 9X। इस फोन की अगर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो काफी हद तक मालूम पड़ चुका है कि इस फोन में आपको 6.59 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले मिलेगा। साथ ही साथ कंपनी इसमें आपको खुद का हाई सिलिकॉन किरिन 810 चिपसेट मुहैया करवाएगी, जिसमें आपको 8GB की रैम मिल सकती है। इसके अलावा इसमें दिया जाएगा 16 मेगापिक्सल का पॉपअप कैमरा, 48+2 मेगापिक्सल का डुअल रेड कैमरा और 4000mAh की बैटरी। इन फोन्स के अलावा सैमसंग का एक और नया स्मार्टफोन अगस्त 2019 में आपको देखने को मिल सकता है। हालांकि डेट कंफर्म नहीं है और ये भी कंफर्म नहीं कि अगस्त में आएगा या फिर सितंबर तक ये खिंच जाएगा, लेकिन आपको बता दूं कि काफ़ी हद तक मालूम पड़ चुका है कि अगस्त एंड तक ये फोन देखने को मिल सकता है। इनफैक्ट 91 मोबाइल्स ने इसके बैक पैनल का एक लीक फोटो भी पेश किया था। अगर हम स्पेसिफिकेशन की बात करें तो पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है कि क्या स्पेक्स होंगे, पर कुछ इन्फॉर्मेशन हमें मिली है जिसके अनुसार हम बता सकते हैं कि इस फोन में आपको एक्सिनोस 9610 चिपसेट, 4GB की रैम और 5000mAh की बैटरी के साथ एंड्रॉयड पाई देखने को मिल सकता है। LG ने भी पिछले कुछ समय पहले बजट सीरीज में अपने दो नए स्मार्टफोन्स पेश किए थे और अब अगस्त 2019 में कंपनी अपना एक और बजट रेंज का नया स्मार्टफोन यानी LG W30 Pro पेश कर सकती है। हालांकि फोन के स्पेक्स अभी तक कंफर्म नहीं हुए हैं, लेकिन माना जा रहा है कि इसमें आपको क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 632 चिपसेट,
4000 mAh की बैटरी और Android Pie देखने को मिल सकता है। अभी कुछ दिन पहले Asus ने अपना नया गेमिंग स्मार्टफोन शोकेस किया है जिसका नाम है Asus ROG 2 और माना जा रहा है कि अगस्त 2019 में कंपनी इस स्मार्टफोन को ऑफिशियली लॉन्च कर सकती है और आप इसे खरीद सकते हैं। इस फोन के स्पेक्स की बात करें तो इसमें दिया जाएगा 6.59 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला AMOLED डिस्प्ले जिसमें आपको 120 हर्ट्ज का स्क्रीन रिफ्रेश रेट मिलता है। इसके साथ साथ इस फोन में है Qualcomm Snapdragon 855 चिपसेट, 6000 mAh की बैटरी और 30 वॉट का चार्जिंग सपोर्ट। इसके अलावा कैमरास की बात करें तो 48 प्लस 13 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा भी इस फोन में आपको मिल जाता है। तो ये थे कुछ स्मार्टफोन जो कि अगस्त 2019 में आपको इंडिया में देखने को मिल सकते हैं। हालांकि एक आधा फोन इसमें से शायद ना भी लॉन्च किया जाए, वो सितंबर तक पहुंच जाए, पर काफी हद तक कंफर्म है कि इनमें से ज्यादातर फोन्स इंडिया में आपको देखने को मिल जाएंगे और आप उन्हें खरीद सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे स्मार्टफोन्स अगस्त में आपको देखने को मिलेंगे जिनके बारे में फिलहाल अभी इन्फॉर्मेशन नहीं आई है, पर जैसे जैसे हमारे पास इन्फॉर्मेशन आएगी हम वैसे वैसे आपको भी वो मुहैया करवाते रहेंगे। पर एनीवे, कैसा लगा आपको मेरा वीडियो प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे लिख के बताएं। और हमेशा की तरह अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, चैट करने के लिए आप इन दी गई आईडी पर जाकर जुड़ सकते हैं या फिर मेरी पर्सनल आईडीज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। अंटिल देन, दिस इज केशव खेड़ा साइनिंग ऑफ।